बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेट आप देख रहे हैं और आज भी मैंने एक शख्सियत को अपने जाल में फंसा लिया है। ये रहा जाफर हुसैन, माय कंपेनियन ऑन फॉरेन ट्रिप्स। अभी रिसेंटली हम साथ थे बाहर कहीं। जाफर भाई, क्या आपके रहनुमाई में थे हम? कहाँ हैं आप यार? आपके नगरी में शामिल हैं और जहाँ आप बुलाएंगे वहाँ से। तो अच्छा, क्रिकेट बोर्ड के मामला पे आ जाओ। जकाशर साहब क्या कर रहे हैं यार? बहुत ही बेहुदा काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। क्या क्या कपड़े तो पहनते हैं वो? कपड़े पहनते हैं लेकिन दूसरों के कपड़े उतार रहे हैं, सहाफ़ियों के कपड़े उतार रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। सहाफ़ियों के कपड़े कब उतार रहे हैं यार? लेकिन शिकायतें जो होती हैं ये कपड़े उतारने के बराबर होती हैं भाई। शिकायतें क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो शिकायतें कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने भी ये बात कही थी। तो अब तो ज़काशर साहब को समझ जाना चाहिए। समझ नहीं आती ना, ऐसे लोगों को समझ बड़ी देर में आती है, जब तक कि कोई शुगर मिल ना मिल जाए या कोई ऐसी कंपनीज ना मिल जाए जिसके वो हेड ना बन जाएं। अब देखें, चेयरमैनशिप से नीचे तो आते नहीं हैं और जब चेयरमैन बन जाते हैं और छोटी छोटी हरकतें करना शुरू कर देते हैं तो इससे मेंटालिटी का पता चलता है। बड़ा बड़ा हार्ड आप स्टांस लिए हुए हैं यार। सहाफ़ियों के ऊपर बात होगी क्योंकि सहाफ़ी कोई ऐसे चल फिर कर नहीं बन जाता। सहाफ़ी बड़ी मेहनत होती है, एजुकेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप देख रहे होते हैं कि जिस तरह अपने इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे होती हैं। ज़काशर साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? चार तारीख को उनके खिलाफ केस भी लगा हुआ है। देखिए, मुस्तकबिल तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है बड़ा बुरा दिखाई दे रहा है। और इसके बाद फिर नजम सेठी साहब शायद वापस आ जाएंगे तो फिर वही दौर में चले जाओगे आप? देखिए, ये चेयर लीडर का जो खेल है ना, इससे हमें निजात। चेयर लीडर नहीं यार, चेयर लीडर तो डांस वांस करता है यार। चेयर लीडर नहीं, ये व्हील चेयर का जो एक व्हील चेयर भी गलत है मेरे ख्याल में। म्यूजिकल चेयर का जो गेम चल रहा है ना, ये ज़रा गलत चल रहा है मेरे ख्याल में। कुछ नए लोगों को आना चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए जो मार्केटिंग के लिहाज से अच्छा काम कर सकें। और मेरे ख्याल में जो गुज़िश्ता सुभान थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़े अच्छे काम किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अगर इस तरह के लोग होंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा तापना। तो सुभान साहब यूएई के साथ हैं, वो आपके ख्याल में छोड़ के आ जाएंगे? वो ऐसा मुमकिन नहीं है। आना तो चाहिए, अगर उनसे उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो मेरे ख्याल में आना चाहिए। और इंज़मामुल हक ने जो काम किया है वो इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं, वो काम आप कैसा समझते हैं? देखिए, इंजी भाई का जो रोल है वो हमेशा मुख्तसर ही होता है, और इतना बड़ा नाम इतनी छोटी छोटी बातों पे इस्तीफ़ा दे देना, उन्होंने इस्तीफ़ा दे के इसको इस मैटर को और मज़ीद इशू खड़ा कर दिया इस मैटर पे। हालांकि मैटर इतना बड़ा नहीं था क्योंकि पाकिस्तान टीम का अलग नाम था, जब इस्तीफ़ा दिया तो मैटर बड़ा हो गया। अगर आप इस्तीफ़ा दे रहे थे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर दे रहे थे, और परफॉर्मेंस पर आप भागना नहीं चाहिए क्योंकि आप बड़े मजबूत दिल के और मजबूत असाब के मालिक, आपको भागना नहीं चाहिए मेरे ख्याल। लेकिन उन्होंने जो इस्तीफा दिया, मैंने ये सुना है कि उनको बुलाया था पीसीबी ने और उनसे कहा था कि कोई ऑफिशियल उनसे मिलेगा, लेकिन कोई इंजमाम को रिसीव करने नहीं आया। सिर्फ नायला भट्टी साहिबा हैं वो आई थी, तो इंजमाम उस बात पर भी खुश नहीं है। ऑब्वियसली देखिए, एक तो पहली बात ये कि एक बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिसने कोई 8 साल 9 साल जो है ना पाकिस्तान को सर्व किया एज ए कप्तान, 25 टेस्ट लेकिन सर्व किया हो एज ए कैप्टन, तो मेरे ख्याल में उनका रोल और उनको रिसीव करने बाकायदा चेयरमैन को जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता, देखिए किसी भी मुल्क में अगर कोई भी खिलाड़ी जाता है तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में खिलाड़ियों को बड़ा माना जाता है, तो अगर उनको रिसीव नहीं किया तो मेरे ख्याल में गलत किया। चले, आखिरी सवाल है, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में जो बढ़ोती है, जो बढ़ना है पाकिस्तान का, वो दूसरी टीम पर मुनहसर है। अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी थी पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ? अच्छी परफॉर्मेंस थी लेकिन और अच्छी हो सकती थी। एक बयान ने मुझे बड़ा ताज्जुब में डाल दिया है, वो था फ़खर जमान का कि वो फिट, मतलब हर गेम के लिए वो खेल सकते थे लेकिन नहीं खेला, यानी कि मुकम्मल फिट नहीं थे ये कहना चाह रहे थे, लेकिन उनका यही कहना था कि मैं हर गेम खेल सकता था। पिछले 10 मैचों में वो कुछ नहीं किया उन्होंने, वो फिट थे। देखिए, अब इस गेम में खेल कर तो साबित कर दिया ना, क्योंकि वर्ल्ड कप गेम है और उनका रोल हमेशा वर्ल्ड कप में या किसी बड़े गेम में दिखाई दिया है हमें। चलें, तो अब शादाब की परफॉर्मेंस, शादाब की जो फिटनेस है उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को अब तब्दीली कर लेनी चाहिए? रिजर्व में से आप अबरार को बुला लेना, यही तो मौका है। देखिए, रिजर्व में अब बुलाएंगे, ये तो पहले बुला लेना चाहिए था, 2 मैच के बाद बुला लेना चाहिए था, जो कि नहीं हो सका। और मुझे नहीं लग रहा था ऐसी कोई टीम खेल रही थी शुरू के मैचेस में कि स्क्रिप्ट दे दिया हो कि बस यही खिलाड़ी खेलेंगे और इसके अलावा कोई नहीं खेलेंगे। लेकिन एक बात आप देख लें कि जिस तरह इंडियन बॉलर्स ने तबाही मचाई हुई है, पाकिस्तान के जो मायनास बॉलर्स थे वो सब दबे हुए, बल्कि पूरी दुनिया के बॉलर्स दबे हुए, सिर्फ इंडिया के बॉलर चल रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे, ये भी देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान के बॉलर्स भी चल रहे हैं लेकिन इंडिया आउट क्लास जा रही है। अबरार को होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, किसी और की जगह।
देखिए मैं कहता हूँ नवाज की जगह होना चाहिए, शादाब तो फिर भी जो है ना बहुत अच्छा खिलाड़ी है। कोई ना कोई तो अनफिट होगा ना, तभी तो आएगा। देखिए पिछले दिनों तो, ऐसे तो नहीं आ सकता ना। पिछले दिनों तो 6-7 प्लेयर अनफिट थे, सारे तो बीमार पड़ गए थे। अनफिट किसी को कराना पड़ेगा और शादाब को रखना चाहिए। देखिए ये माजी में भी हमने देखा है, शादाब भी रहे और 2009 में आपने अनफिट करके, अनफिट नहीं बल्कि अनफिट हो गया था खिलाड़ी, और आपने रजाक को बुलाया था, कितना अहम रोल अदा किया था उसने वर्ल्ड कप में, ये आपके सामने है। चलें ठीक है जी, ये जाफर हुसैन की राय आपने सुनी, मुझे दीजिए इजाज़त, फ्रीड को सब्सक्राइब भी कीजिए आप, खुदा हाफिज़।